अभी हम आए हैं आज मध्य नागपुर की जनता का मूड जानने के लिए। लोक विधानसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है, लोगों में भी उत्सुकता है अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार है उन्हें चुनकर देने के लिए। क्या बताओगे, किसे आप चुनकर दोगे? बीजेपी, कांग्रेस? कांग्रेस को। क्यों कांग्रेस? क्योंकि एक्चुअली बहुत महंगाई बढ़ गई है, तेल का दाम बढ़ गया, लड़की बहन के जो पैसे भेज रहे हैं उसके वजह से और पैसे बढ़ाना चाह रहे, तेल पे हर चीज पे पैसे रेट बढ़े, उसके कारण से हम कांग्रेस को चुन के लाने के चाह रहे। मध्य नागपुर में हो आप, आपको पता है बंटी शेड़के इन्हें? हाँ, बंटी शेड़के अच्छा काम करता है, तो उनके लिए अपन कांग्रेस को या पुनेकर को चुन के लाने के, इसमें बीजेपी को नहीं लाना, क्योंकि वो काफी महंगाई बढ़ गई है ना, हर चीज पे महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल से तेल से हर चीज पे महंगाई बढ़ गई है। काकू है हमारे साथ, काकू क्या बताओगे, किसको चुन कर दोगे आप, कांग्रेस या बीजेपी, कौन चाहिए आपको? मोदी को देंगे। आप 2014 से मोदी ने बहुत काम किया है, समझे, रोड का काम, हॉस्पिटल, डाक हॉस्पिटल, मेडिकल, सब काम किए, रोड का किया है सब, पूरा बस्ती अपने बस्ती पूरा भारत तक काम किया, जो लाइटिंग लगाए, फोकस लगाए, सब बोलो तो एक हर बात का काम किया मोदी ने। हर बात का काम किए तो बीजेपी को दोगे आप चुन के? रोजगार की निर्मित हुई है, आपके कुछ पोते होंगे या आपके बच्चे होंगे, उन्हें रोजगार मिले? नहीं, उनको एमएससीबी में, मेरा लड़का है एमएससीबी में, हाँ, एक बीकॉम में पढ़ा लिखा है, ये है। लाडली बहन में है कोई आपके घर से? बहु है। कितने पैसे मिले? 750 मिले, 7500 मिले, पहले 3000 मिले, बाद में देर बाद में 3000 मिले। क्या बताओगे, किसकी सरकार चाहते हैं इस बार राज्य में? अभी तो देश में ऐसी परिस्थिति है कि आर्थिक जो संकट जो देश पे है वो डेवलप नहीं हो रहा है, कोई भी सरकार रहे तो वो कोई काम कर नहीं रही, जबकि 140 करोड़ पॉपुलेशन है, वो हिसाब से अपन देखा जाए तो राज्य में कह रहे हैं, हम मध्य नागपुर में है, यहाँ पर जो है यहाँ के विधायक कौन चाहिए आपको? हलवा समाज यहाँ बहुल मात्रा में है, क्या बताओ? इसमें ऐसा है कि समाज का राजकारण न करते हुए जो रोजगार पे काम करे, महंगाई पे काम करे और देश के लिए जो काम करे, जो तिरंगे झंडा रहता है उसमें कोई भी रंग देखोगे तो तिरंगी तिरंगे ही देखेगा, उसमें आज़ादी में महात्मा गांधी चले गए, ऐसे बड़े बड़े लोग चले गए जिन्होंने। आपको अभी राज्य में किसकी सत्ता चाहिए या आपके विधानसभा क्षेत्र से आपको कौन विधायक? मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि नए जो लड़के हैं जो ग्रेजुएशन किए उन्होंने सत्ता में आना चाहिए, जैसे केजरीवाल जो आए उन्होंने देश का कुछ सोचा है और कुछ किया है, बाकी तो सब वैसे ही है जो काम नहीं करना चाहते और सत्ता हासिल करना चाहते, ऐसा है। तो और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे उनका मूड क्या है, किसे वो चाहते हैं राज्य में, किसके हाथ जो है वो अपने राज्य की या अपने विधानसभा क्षेत्र की डोर देना चाहते हैं। चलिए मेरे साथ नागपुर में, मध्य नागपुर की सीट को लेके वैसे भी सभी का ध्यान इस सीट की ओर आकर्षित हुआ है, यहाँ से किसे विधायक जो है चुना जाता है या विधायक की उम्मीदवारी जो है, विधायक पद की उम्मीदवारी किसे दी जाती है बीजेपी की ओर से। हमने देखा है कि हलवा समाज का यहाँ पर बहुत सारा राजनीति जो है चलती हलवा समाज को लेकर, क्या बताओगे आप मध्य नागपुर में आपका यहाँ पे आपका वोटिंग है, किसे वोट करना चाहोगे? अभी देखेंगे टाइम पे। किसकी सरकार चाहिए? किसकी सरकार चाहिए आपको? कांग्रेस की। तो वो काम अच्छे करते, क्या करी बीजेपी? तो बस पुलिया और ठंडा पानी करते जा रहे। लोगों का कहना है बहुत रास्ते बना दिए, बहुत डेवलपमेंट कर दिया है नागपुर में। महंगाई कितनी बढ़ा रहे, आज तेल कितने 100 रुपये था, आज 150 रुपये हो गया, क्या हर अनाज वगैरह सब बढ़ा के रखते जा रहे हैं, क्या कोई फायदा है क्या इसमें? बीजेपी अच्छी सरकार है बोलते, बीजेपी है और रहा है, कर रहे थे, अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आए बताओ, तुम बोलो उसमें। लाडली बहन योजना लाए है, क्या क्या तो कौन सा फायदा हो उसमें, तो कमाए तो खा रहे ना वो लाडली बहन के भाई लोगों को दे रहे हैं, पर लेकिन कौन सा फायदा है रोजगार आदमी? और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे वो किसकी सरकार चाहते हैं राज्य में, किसे चुन कर देना चाहते हैं विधायक के तौर पर। क्या बताओगे भैया आप, कौन सी सरकार? मैडम हम बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी को ही वोट देंगे, क्यों? उनका काम अच्छा है। किसकी सरकार चाहिए इस बार राज्य में? जो चल रही वही बीजेपी। क्यों बीजेपी?
वो जो है वो है, अपने अपने मन से जो है वो है। अच्छा, बीजेपी मतलब क्या अच्छा किया है उसने? अभी हमारे राज्य में तो बहुत कुछ किया, इतने में देख रहे बहुत कुछ किया है। क्या क्या किया है? बहुत किया, अभी क्या क्या बताऊँ मैंने, क्या क्या किया करके बहुत कुछ किया, इतना मेरे को मालूम है। भैया किसकी सरकार चाहते हो राज्य में? बीजेपी अच्छा काम कर रही है ना, बीजेपी के चाहिए। कौन से काम किए बताइए? कौन से काम किए? अभी पुलिया हो रहा है, सब इधर रोड बन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो मध्य नागपुर क्षेत्र है इसे लेकर पूरी मतलब लोगों की निगाह इस विधानसभा क्षेत्र की ओर टिकी है, क्योंकि यहाँ पे हलवा समाज का राजकारण चलता है। हाँ, हलवा समाज का राजकारण चल रहा है अभी। कौन चाहिए यहाँ से? यहाँ से अभी ये विकास कुमार था, अभी कोई आता अच्छा नया आता होगा तो वो भी चलता है। मतलब रिप्लेस चाहिए? हमने देखा कि लोगों की राय जो अलग अलग है, अलग अलग उनके सभी के मत है, और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि उनका मूड क्या है, किसकी सत्ता उन्हें चाहिए, कौन विधायक उन्हें चुनकर देना है। चलिए मेरे साथ, किसकी सत्ता चाहिए? विकास कुमारी की चाहिए। अच्छा, यहाँ से विधायक विकास कुमारी चाहिए आपको? हाँ। क्यों? उन्होंने बहुत काम किए हमारे लिए। कौन से काम किए युवाओं के लिए? उन्होंने मतलब मेरे को जो जो लगा है उन्होंने दिए है। मेरे मम्मी का वॉल का ऑपरेशन हुआ था तो उनने कुछ तो भी कर रहे थे शायद से। मदद की है इसीलिए वो ही आपको चाहिए। काका क्या बताओगे, किसकी सरकार चाहिए राज्य में? राज्य में कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की? क्यों कांग्रेस की? कांग्रेस की क्योंकि बीजेपी ने खूब महंगाई बढ़ा दिया है और काम धंधे बड़बड़ नहीं है, इसलिए कांग्रेस की सरकार चाहिए। और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे। ये पूरा मध्य नागपुर का इलाका है, हमने देखा कि अभी भी यहाँ से उम्मीदवार जो है महायुति का घोषित होना है, क्योंकि हलवा समाज का राजकारण हम यहाँ हमेशा देखते आए हैं। देखना होगा कि अब लोगों का कहना क्या है, कौन उन्हें उम्मीदवार भी चाहिए और कौन किसकी सत्ता यहाँ से उन्हें चाहिए। चलिए यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे हम जानते हैं। क्या बताओगे काका, किसकी सत्ता चाहिए राज्य में? राज्य में चाहिए भाजपा की सरकार चाहिए। भाजपा की क्यों? तो काम वो अच्छा कर रहा है और लगन से काम कर रहा है और उत्सव भी है और रोजगार भी बराबर मिलने वाला है, हम यह आशा रखते हैं। कल का दिन यही आमदार चाहिए हमको। कौन से आमदार चाहिए? ये विकास कुमार है। विकास कुमार है आपको आमदार चाहिए यहाँ से? अच्छा, तो उन्हें आप चुन कर देंगे? क्या क्यों चुन कर दोगे? क्या मतलब? आपका उसका व्यवहार वगैरह अच्छा है, हमारा समाज का आदमी है और वो काम बराबर करता है, हर समस्या बरबर निवारण करता है, वो आदमी अच्छा। हमें तो बीजेपी की चाहिए क्योंकि डेवलपमेंट हमने बहुत देखा है नागपुर में, यहाँ वहाँ सड़कें वड़के बहुत सी चीज़ें बन रही है, बहुत से काम में सुधार हो चुका है, रोजगार ठीक है, अच्छा ही है, कोई ऐसा खराब भी नहीं है, चल रहा है, सब अच्छा ही है। हाँ बिल्कुल मिल रहा है, बहुत से लोगों को मिल रहा है और आजकल महिलाओं को भी थोड़ा पैसे दे रहे हैं, सरकार दे रही है लाड़की बहन योजना की, इसकी उसकी चालू है, तो ठीक है, बीजेपी की सरकार अच्छी है। ओके, धन्यवाद। अब हम आए हैं मध्य नागपुर के ही महल परिसर में। अब यहाँ हम जानेंगे यहाँ के लोगों से उनका मूड क्या है, वो किसे अपना वोट देना चाहते हैं, किसकी सरकार वो राज्य में देखना चाहते हैं। कि जो आएगी वो अपनी समझना चाहिए, वी आर नॉट पॉलिटिशियन ना। नहीं, बट आप किसको वोट करना चाहोगे? ये तो समय बताएंगे, अभी क्या बताएंगे। वोट करते होगे हर बार, तो एक सोचा होगा कि मुझे ये राज नेता चाहिए मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, हम बिजनेसमैन वाले लोग हैं, धंधे वाले लोग हैं, जो कोई सरकार कोई भी है, हमको बिजनेस करना है, टैक्सेशन बढ़ रहे हैं, तकलीफ ही तकलीफ है, बट बेयर तो करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं उसको, मिडिल क्लास जो है उसको बहुत तकलीफ होती है, बस कोई भी सरकार आए थोड़ा मिडिल क्लास का भी ख्याल करे। ऊँचे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना बिलो रेशो को फर्क पड़ता, मिडिल क्लास को बहुत फर्क पड़ता। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। किसकी सरकार चाहते हो राज्य में? अब ये मतलब वैसी तो दोनों ही सरकार अच्छी है, अब वो दोनों में से जो भी मतलब ये हो जाए। आपको कौन चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी? अब वक्त बताएं, अब जो भी आ जाए, जिसका जैसा मतलब ये रहा उसको ऐसा सपोर्ट किया जाएगा। आप किसको वोट करो? अब ये वोट देने मतलब मैं आपको बोलो ना कि अब वो समय भी बताएंगे ना, अब जिसका मतलब जैसा ये रहेगा वैसा। काका किसकी सरकार चाहते हो इस बार राज्य में? सरकार जो अपने को जो आया वो करेंगे। आप किसको वोट करते हो हमेशा? हाँ, हम तो पहले कांग्रेस को करते थे, अभी कमल वाले को। क्यों कमल वाले को करते हो? अभी समय में है सामने, तो वो करना ही पड़ता।
बाजार उनका है। अच्छा, बीजेपी का बाजार है क्या? अच्छा लगता है बीजेपी की सत्ता रही तो? जो चलता है वो करना ही है सामने। इस बार भी कमल को वो चुन कर देना चाहते हो? हाँ। क्यों कमल को? कमल को क्यों करते हो? सामने आया तो उसको तो हाथ जोड़ना ही पड़ेगा ना। उन्होंने कुछ काम किए आपके लिए सरकार? काम करो यार, ना अभी दिख रहा है सामने, वही करना पड़ेगा। अच्छा, दिख रहा है इसलिए कर दोगे, ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे उनका मूड क्या है, उनकी क्या राय है, कौन सी सत्ता वो राज्य में चाहते है। जाना थोड़ा सा। हाँ। काका, किसकी सरकार चाहते हो इस बार राज्य में? सरकार? अब सरकार बोले तो अभी बीजेपी आई रही है, और सरकार देखो अब कांग्रेस की आती है, बीजेपी की आती है। आप किसकी चाहते हो? हम चाहते क्या कांग्रेस की आने को ना सरकार। क्यों कांग्रेस की आने को? अब क्या है, बीजेपी वाले ज्यादा बैठक करती है, बोलते हैं अभी लोग चिल्ला रहे हैं अभी। आप नहीं चिल्ला रहे हो? अब क्या चिल्लाते हैं, अब चिल्लाते जो है साधारण लोग, साधारण गरीब वर्ग के लोग जो है ना, अभी इतनी महंगाई बढ़ गई है, हो गया इसके बारे में अब सब, यानी छोटी जो जनता ये चिल्लाने वाली है ना। 100 रुपए का स्टैम्प पेपर अब 500 रुपए करती। लाडली बहन योजना के बारे में क्या बताना चाहो? लाडली बहने के योजना के बारे में क्या बताना, वो तो काम अच्छे किए इन्होंने, वो भी काम अच्छा किए, सब कुछ अच्छा किए, ये रोड बना है, ये बना है, ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार दिए क्या? रोजगार नहीं मिले बाकी कई लोगों को, रोजगार दे मिले, रोड बना है, लड़की बहनी का ये कार्यक्रम किए उन्होंने, बाकी रोजगार यानी मध्यम वर्गीय लोग यानी रोजगार के इसमें अभी कम पड़े तो है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी सरकार ही तो क्या है, काम अच्छा होने को ना, ऐसा कुछ नहीं, अपना कहना कुछ है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। थोड़ा सा सामने आइए, आप क्या बताओगे, किसकी सरकार चाहोगे? अभी तो 10 साल लेके देख लिए इनको, काम बराबर कर रहे नहीं है, ये मुद्दे में काम तो ये मुद्दे लेके आए थे कि भाई अच्छे दिन आएंगे और रोजगार मिलेगा, ये सरकार ने सब बेकार कर दिया। अभी तो दूसरी बात, ये लाडली महिला जो है ना, ये पॉपुलर दिए इनको, बहनों को, सब बहनों को मालूम है, सिलेंडर देख लो आप क्या भाव है, अनाज के भाव देख लो, तेल के भाव देख लो, रोजगार कुछ नहीं मिला किसी को, और GST में देख लो आप कैसा, जब पब्लिक से वसूल कर रहे हैं ना, ये 2000-3000 दे के लाडली महिला को थोड़ी मनाएंगे ये, इसलिए 10 साल लेके देख लिए इनको, इनकी सरकार में कोई दम नहीं है, कांग्रेस की सरकार आना चाहिए, अच्छे दिन गए अभी बुरे दिन आ गए। और भी लोग हैं यहाँ पे, ये जो एरिया है ये महल मार्केट का परिसर है, यहाँ पे दूर दराज से लोग खरीदारी करने आते हैं, यहाँ पे हम पूछेंगे कि क्या बताओगे काका, किसकी सरकार चाहते हो इस बार राज्य में? हम तो कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। अच्छा, क्यों कांग्रेस? हमारी इच्छा। आपकी इच्छा बराबर है, बट रहता है कि कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने वो किया, इसलिए हम चुनकर देना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सब पार्टी वाले वैसे ही हैं, आधे इधर जाते आधे उधर जाते, इधर से उधर वापसी आते, कोई मतलब है क्या? ऐसा हमारा कैंडिडेट खड़ा रहेगा, हम उनको देंगे। अब इतने साल से विकास कुमार ही उधर रहता, इधर कभी आया क्या? नहीं आया। इसलिए इस बार आपको कांग्रेस को वोट देना है। बिल्कुल, परिवर्तन बहुत जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे हम उनका क्या मूड है, किसकी सत्ता वो राज्य में चाहते हैं। चलिए मेरे साथ, एक मिनट, किसकी सरकार चाहिए? बीजेपी। क्यों बीजेपी? हिंदू मैं, इसलिए बीजेपी होना मेरे को, दूसरा नहीं होना। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे उनकी राय क्या है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा मार्केट है, ये महल का परिसर है यहाँ पे। भैया, आपको किसकी सरकार चाहिए इस बार राज्य? अभी तो देखो, अभी क्या है तो कोता है तो। आप किसको वोट करना चाहोगे? अभी नितिन गडकरी। नहीं नहीं, अभी तो राज्य की चुनाव है ना, लोकसभा तो हो गए अभी, उतना अपने वो अभी नहीं बता सकता मैं। और भी लोगों से हम जानेंगे, यहाँ पर कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। सरकार जो किसान के लिए लाभदायक है वो चाहिए,
जितनी भी सरकार अब तक आई है वो किसान के हितों में अच्छा नहीं है। जितनी भी मतलब कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दोनों एक जैसी है। हमारा कहना है कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो किसान को अच्छे से फसल को अच्छे से पैसे दे सके। कि सोयाबीन का भाव देख रहे तुम, 3,000 रुपये सोयाबीन का भाव है और बहनों को 1,500 रुपये दे रहे, और तेल का जो है वो भाव 140 रुपये है। ये 3 महीने के लिए सिर्फ इसको बहन की याद आ गई, इससे पहले उनको बहनों की याद नहीं आई थी या उनके जीजा की याद नहीं आई थी। मेरा ये कहना है कौन सी भी सरकार बनो वो लोगों के हित के लिए होना चाहिए। ऐसे मैं आदमी देखकर वोट करूंगा। आदमी देखकर मतलब ग्रुप तो होता है लेकिन ऐसा रहता है कि हम एक पार्टी को मतदान करना चाहते हैं। किसके किसे करूं? उस लायक कोई भी उम्मीदवार नहीं है जो कि 6 महीने के लिए इस पार्टी में जाता है उसके बाद दूसरे पार्टी में जाता है, उसके लिए वो लायक उम्मीदवार नहीं है। हम ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे जो किसानों के हित में हो, वो बहनों के हित में हो। जैसे कि बहन बेटे पर जो अत्याचार होते हैं उसके हित में होना चाहिए। ऐसे अगल बगल में जाने वाले आदमी के हम उस पक्ष में नहीं है। वो कांग्रेस के रहो या बीजेपी के रहो या शिवसेना के रहो या राष्ट्रवादी कांग्रेस के रहो, उसके हित में नहीं है। राज्य में कांग्रेस की सत्ता चाहिए क्योंकि बीजेपी वाले बराबर काम नहीं कर रही, गरीबों को पेट भरना मुश्किल कर दिए। सबसे बड़ी समस्या है अतिक्रमण, आते गरीबों का माल उठा के लेके चले जाते न। MLA ऐसा होना जो उनकी समस्या सबसे पहले पूरी करे, दौड़ भाग करे। MLA जनता का प्रतिनिधि होता, सिर्फ कार में घूमने के लिए नहीं होता, जनता की सेवा करने, काम करने के लिए। यही चाहते हैं हम। तो इस बार किसे वोट करो? कांग्रेस को, बंड को। ठीक है, तो हमने जाना आज मध्य नागपुर की जनता का मूड, विधानसभा 2024 को लेकर क्या कहती है मध्य नागपुर की जनता, किसकी सत्ता चाहिए उन्हें राज्य में, ये सब हमने जाना। आखिर ये हमें 30 नवंबर को पता चलेगा कि राज्य में किसकी सत्ता आती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।